हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैंने पहन ली है साड़ी और आज हमारे यहाँ पे आ रही है तो वहाँ कुछ प्रोग्राम होना है और हम पहुँचाएंगे वहाँ, तो वहाँ का आपको मैं वीडियो जो है वो शेयर करूँगी। तो चले चलते हैं। तो दोस्तों, मैं बाल भवन की बिल्डिंग पहुँच गई थी और यहाँ पे जो है मैम लोग जा रही थी बाहर कुछ काम से, तो बस उनका भी मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया और अब चलते हैं हम अंदर। तो यहाँ पे देखिए, हमारे गणेश जी भगवान जी को भी तैयार कर दिया अच्छे से। और ये वाली जो मैम है आ रही है यहाँ पे, आरईडी मैम, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है मेड वगैरह बैठी हुई है, क्योंकि इनको क्या है कि उनके हाथों से ये साड़ी वगैरह दिलवानी है, तो इसी वजह से ये भी इन लोगों का वेट कर रही हैं। तो यहाँ पे भाभी लोग सब रेडी होकर के अंदर जा रही थी मीटिंग वाले रूम में। और यहाँ पे देखिए, हमारी सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ अच्छे अच्छे कपड़ों में तैयार होकर के, मेकअप करके अच्छे से बैठी हुई हैं और मैम का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे हम। और होता है ना दोस्तों, मतलब तैयार होने के बाद इंतज़ार करना पड़े वो बड़ा ही मुश्किल टाइम होता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे कि हमारा थोड़ा टाइम पास हो जाए। और हम लोग बीच बीच में हमने क्या किया कि टाइम पास हो, इसलिए हम लोग अंताक्षरी खेलने के लिए आ गए थे। और फिर बीच में ही इन लोगों ने बोला कि चलो मंजू, तुम एक छोटा सा वीडियो बना दो। तो मैंने बोला चलो बना लेते हैं, और तो आप लोग भी हाय वगैरह करो, तो अभी बनाएंगे थोड़ा, सब लोग आ जाएंगे उसके अंदर। और फिर ये हमारी शीतल भाभी रह गई थी, ये लास्ट टाइम में भी वीडियो में एक बार रह गई थी, तो ये लास्ट में आई थी। तो उसके बाद यहाँ पे बातें शाते चल रही थी सभी लेडीज़ों की अपनी अपनी, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। और फिर वापस से हम आ गए थे अपने अंताक्षरी वाले अंदाज में। तो दोस्तों, फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैम आने वाली थी, तो मैं आ गई थी ऊपर यहाँ पे हमारे हॉल में। और फिर यहाँ पे देखिए, मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई है। और यहाँ देखिए आ गई है मैम, आपको जो ब्लू साड़ी में दिखाई दे रही हैं वो मैम हैं। तो बस इन्हीं मैम का वेट कर रहे थे सभी लोग, काफ़ी टाइम लग गया आने में। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर मेड लोग बैठी हुई हैं। और हमारे यहाँ संगली लेडीज़ क्लब में क्या होता है कि बीच बीच में काफ़ी कुछ जो है मेड को देते हैं सब लोग मिल करके। तो फिर यहाँ पे बस ऐसे ही है कि इन लोगों के लिए साड़ी मंगवाई गई थी, तो यहाँ पे सभी का नाम बोल बोल कर बुलाया जा रहा था कि अभी आप आ जाइए, अभी आप आ जाइए। तो बस यहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा था। और ये होने के बाद अभी मैं आएंगी ऊपर हॉल में, और वहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने हैं, डांस वगैरह, मेरा थोड़ा सा एक भजन भी है। तो बस ऐसे ही है और फिर हम चलेंगे ऊपर। तो दोस्तों, नीचे का प्रोग्राम हो चुका था, उसके बाद मैम आ गई थी ऊपर हॉल में। और यहाँ पे हम लोगों ने इनका वेलकम किया खड़े होकर के, और वेलकम करते ही उसके बाद हमारे यहाँ जो भी दोस्तों प्रोग्राम होते हैं तो दीप जलाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैम लोग जो हैं दीप प्रज्वलित कर रही थी। और यहाँ देखिए, हमारा आ गया है नाश्ता, जिसमें है वेज रोल, पनीर के पकोड़े, फ्राई काजू और एक मिठाई। तो नाश्ते के साथ साथ हम लोग इंजॉय कर रहे थे स्किट, जो काफ़ी अच्छी थी। और ये जो कर रही है ये मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पे नाश्ता इंजॉय करने के बाद मेरा आ गया था भजन। तो
दोस्तों प्रोग्राम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था, तो यहाँ पे उसके बाद मैम को दिया गया एक छोटा सा गिफ्ट। और दोस्तों गिफ्ट देने के बाद यहाँ पे सभी लोगों ने मैम के साथ मिल करके एक दो फोटोग्राफ्स जो है क्लिक करवाई, ताकि जो है याद हमारे साथ बनी रहे मैम की। और हम पहुंच गए थे खाना खाने के लिए यहाँ के गेस्ट हाउस में। तो आप देख रहे हैं, ये है यहाँ का गेस्ट हाउस, काफ़ी सुंदर गेस्ट हाउस है दोस्तों। इसकी मतलब जो डेकोरेशन वगैरह है बहुत अच्छी की हुई है, देखिए पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई है यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं अंदर। और दोस्तों होता है ना, जब हम बड़े जो सर वगैरह जो होते हैं उनको लोगों के साथ जाते हैं तो थोड़ा उसी हिसाब से रहना पड़ता है। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठे थे और फिर सभी लोग जो हैं यहाँ पे बिल्कुल शांत एक दूसरे से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आए हम लोग और तुरंत ही बस नाश्ता आ गया था। और ये जो आप चेयर देख रहे हैं ना, टेबल्स वगैरह, ये यहाँ पे सर लोगों के लिए डेकोरेट किए गए गई है। और यहाँ पे खाना लगाया गया है हम लोगों के लिए। तो बस यहाँ पे आ गया था सूप और नाश्ता। तो अभी सब लोग यहाँ पे नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, सर लोग भी यहाँ पे आ गए थे। तो दोस्तों नाश्ता किया और उसके बाद तुरंत ही बस हम लोग खाना खाने लग गए थे। तो काफ़ी अच्छा अच्छा यहाँ पे वैरायटी वाला खाना था। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आती रहूँगी। और मैंने भी अपना जो है खाना ले लिया था, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि नाश्ते में पेट भर गया था। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, बाय।